नमस्कार साथियों, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम प्रस्तुत हुए हैं मनु भंडारी जी का प्रसिद्ध नाटक महाभोज लेकर के, जो कि UGC के पाठ्यक्रम में है। वीडियो के इस भाग में सबसे पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, तदोपरांत हम इसके विषय वस्तु को देखेंगे, फिर पात्र परिचय देखेंगे और अंत में कथानक एवं संवाद को देखेंगे। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहले महाभोज उपन्यास 1979 में मनु भंडारी जी ने लिखा, फिर 1983 में इसी उपन्यास को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। इसका पहला मंचन मार्च अप्रैल 1982 में हुआ है। अगर मनु भंडारी की बात किया जाए तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 और इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। और इस महाभोज में संवाद की जो भाषा है वह अवधि भोजपुरी मिक्स है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि इसमें राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। वही मनु भंडारी भी अपने इस नाटक की भूमिका में कहती हैं, उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। इस नाटक का भी केंद्रीय पात्र सिंदूर की होली और आगरा बाजार के केंद्रीय पात्र की तरह ही बिना संवाद के यहाँ पर आया है। और इसके संदर्भ में मनु भंडारी कहती हैं कि मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ तादम्य स्थापित कर लेता है, उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं ही केंद्रीय पात्रों की भूमिका निभाने लगता है। आगे कहती हैं कि महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। अब आइए इस नाटक के विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस नाटक में जो हमें दिखाई देता है उसमें राजनीतिक स्वार्थ में नैतिक पतन का चित्रण दिखाई देता है, गरीब दलितों के आवाज को दबाने का प्रयास दिखता है, सत्य और ईमानदार लोगों को कानूनी दाव पेच में फंसाना, चाटुकारिता, पदलुलुपता और भ्रष्टाचार का जीवंत झलक, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकारों यानी पत्रकारों का स्वार्थवश बिकाऊ होना, राजनीति में गांधी और धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग, गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का खेल दिखता है इसमें, अंततः लोकतंत्री व्यवस्था के दुरुपयोग की झलक साफ दिखाई देती है। अब आइए इस नाटक के पात्र परिचय को देखते हैं। इस नाटक का जो केंद्रीय पात्र है वह है बिशु। इसका पूरा नाम विशेश्वर है और यह इस नाटक के शुरुआत में ही मृत हो जाता है। इसके साथ ही दास साहब मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, घुमा करके बातों करते हैं, ठंडी तासीर वाले हैं, गर्म जल्दी नहीं होते हैं। इन्हीं का एक विश्वास पात्र है लखन, जमुना बहन जो इनकी पत्नी है, पांडे जी जो इनका निजी सचिव है, रत्ती जो इनका पीए है, अप्पा साहब दास साहब के ही पार्टी का अध्यक्ष हैं। अब दूसरा तरफ विपक्षी पार्टी है जिसके नेता हैं सुकुल बाबू। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका एक विश्वास पात्र है काशी। पुलिस का भी इसमें रोल है, तो पुलिस में जो सबसे पहले आता है वह सिन्हा जो कि DIG है, फिर सक्सेना जो कि SP है, एक मोहन सिंह है जो कि कांस्टेबल है और एक थानेदार है जो कि सरोहा गांव का थानेदार है। फिर प्रेस की बात आती है तो प्रेस में दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक के संपादक, फिर भवानी मसाल का सहायक संपादक और नरोत्तम मसाल का प्रेस रिपोर्टर। अब ग्रामीणों की बात किया जाए तो बिशु के अलावा हीरा बिशु का बाप, बिंदा बिशु का अभिन्न मित्र, रुकमा जो बिशु की पहले छात्रा थी और बिंदा की पत्नी है, महेश एक रिसर्च स्कॉलर है जो बिशु का हमदर्द भी है और इस नाटक का सूत्राधार भी है, एक जोगेश्वर साहू है जो गांव का बनिया है।
इसके अलावा सरोहा गांव का जो दूसरा पक्ष है उसमें है जोरावर, जो सरोहा का धनाढ्य किसान है। फिर लठैत हैं जो जोरावर के ही हैं, और एक लड़की है जो जोरावर की लड़की है। यही इस नाटक के पात्र हैं। अब आइए नाटक के कथानक और संवाद की तरफ बढ़ते हैं। यह नाटक 11 दृश्यों का नाटक है, और इसमें जो पहला दृश्य शुरू होता है उसमें गांव का मैदान है, जहां पर बिशु की लाश रखी है। उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है, बाप घुटनों में सर दिए बैठा है, चारों तरफ लोग जमा है। सूत्रधार यानी महेश कहता है कि मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोर वह टूटी और आदमी गया। एक फोटोग्राफर कभी भीड़ की तो कभी लाश की फोटो खींच रहा है। रिपोर्टर नरोत्तम चारों तरफ जायजा ले रहा है। लठैत सभी ग्रामीणों को हटा रहे हैं और बिशु की माँ को रुकमा धीरज धरा रही है। सरोहा थाना का थानेदार और दास साहब का निजी सचिव पांडे जी भी आ जाते हैं। थानेदार लाश देखकर पूछता है कि कौन पहले इसे देखा। जोगेश्वर साहू जो बनिया है वह कहता है कि वह देखा था और उसके आसपास कोई नहीं था। थानेदार लाश को देख करके कहता है कि मारपीट या चोट का तो कौनो निशान नहीं, खुद है कुछ खा खुआ कर सो गया होगा ससुरा। महीने भर पहले गांव की सरहद से सटे हरिजन टोला की झोपड़ियों में आदमी सहित आग लगा दिया गया था। झोपड़ी तो राख हो गई और 9 आदमी कबाब बन गए थे। अखबार और विधानसभा में इस घटना की जोर शोर के साथ चर्चा रही, और इधर पुलिस लिपापोती में लगी थी। वही गांव में विशेषर यानी बिशु इसको लेकर के नाराज था, वह सबूत जुटा रहा था। फिर आज उसकी लाश मिली है। महीने भर बाद ही इस गांव में चुनाव भी है, जो कि विधानसभा चुनाव है, और उस चुनाव में एक तरफ दास साहब की पार्टी है तो दूसरी तरफ सुकुल बाबू की पार्टी है। अब यहाँ पर नाटक का दूसरा दृश्य शुरू होता है। मसाल साप्ताहिक का कार्यालय है। यहाँ प्रेस रिपोर्टर नरोत्तम और सहायक संपादक भवानी सरोहा की इस घटना पर चर्चा करते हैं। नरोत्तम बताता है कि विशेषर एक खेत मजदूर का लड़का और हरिजनों का हमदर्द था, तभी इसके संपादक दत्ता बाबू भी आ गए। संपादक दत्ता बाबू और सहायक संपादक भवानी मिलकर ही इस प्रेस को चला रहे हैं, और बहुत ही घाटे में चलने के कारण दत्ता बाबू परेशान हैं। भवानी और नरोत्तम आज की इस घटना को विशेष फोकस देने पर पेपर की बिक्री बढ़ेगी ऐसा आश्वासन देते हैं, और दत्ता भी तैयार हो जाते हैं। अब इस नाटक का तीसरा दृश्य आता है। इसमें मुख्यमंत्री दास साहब की कोठी है। सरोहा की घटना को लेकर के लखन गुस्से में आता है और दास साहब से कहता है, ये जोरावर खुद भी मरेगा और हमको भी ले डूबेगा। जोरावर पर दास साहब का हाथ है। जमुना बहन दास साहब की पत्नी लखन से पूछती है क्या हुआ, तो लखन बिशु की हत्या की बात बताते हुए कहता है कि इस मामूली बात पर सारा वोट हरिजनों का सुकुल बाबू के नाम पर पड़ जाएगा। तब दास साहब कहते हैं कि कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। दास साहब कई तरीके की बातों से लखन को समझा बुझा कर उसका गुस्सा शांत कराना चाहते हैं। दास साहब कहते हैं, आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। लखन सुकुल जी के 10 तारीख के एक वहां होने वाले प्रोग्राम और मसाल प्रेस की खबर पर भी नाराजगी जताता है, और दास साहब फिर उससे कहते हैं कि अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। इसी बीच में दास साहब के यहाँ जोरावर आता है। कोई विशेष चर्चा नहीं होती है, फिर जोरावर के साथ पांडे जी सरोहा गांव चले जाते हैं। इधर जोरावर को कुछ न कहने पर लखन दास साहब से अपनी चिंता जाहिर करता है, तो दास साहब लखन से कहते हैं कि नज़र हमेशा अपनी हार जीत पर ही मत रखो लखन, मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं है। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। अब इस नाटक का चौथा दृश्य आता है। गांव का मैदान है, वहां सुकुल बाबू का मंच तैयार है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर जो है वह बिशु के दोस्त बिंदा से आगजनी का सबूत मांगता है। वही रुकमा जो बिंदा की पत्नी है वह उसे मना करती है। तभी महेश आता है, बिंदा को समझाता है कि जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा, जब तक हमारी व्यवस्था में जाति भेद है और अमीर गरीब की खाई है। अब इधर सुकुल बाबू का कार्यकर्ता मंच पर आ जाते हैं। सुकुल बाबू हमदर्दी का भाषण देते हैं।
फिर दास साहब के आदमी जो जोरावर के लठैत हैं वह टीका टिप्पणी करते हैं और अंत में इन लोगों और सुकुल बाबू के कार्यकर्ताओं में झड़प होती है। फिर इस नाटक का पांचवा दृश्य आता है और यहाँ पर दास साहब का कमरा है। दास साहब अपने सचिव पांडे जी और पार्टी अध्यक्ष अप्पा साहब के साथ बैठे हैं। मंत्री लोचन द्वारा सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, साथ में उनके चार विधायक और हैं। पार्टी के इन लोगों को पद चाहिए, इन्हें मनाने पर चर्चा हो रही है। तभी मसाल के संपादक दत्ता बाबू आते हैं, पार्टी अध्यक्ष अप्पा साहब चले जाते हैं। दत्ता बाबू को देखकर दास साहब का मसाल में जोर शोर के साथ छपे इस घटना के ऊपर भी वह व्यंग करते हैं और कहते भी हैं कि विरोधी पार्टी के कुछ लोगों के अलावा इसे कोई हत्या का मामला नहीं मानता, आप लोग सही ढंग से जिम्मेदारी निभाएं। डीआईजी की रिपोर्ट से साफ है कि लड़का ने आत्महत्या की है। दत्ता बाबू इस जर्जर सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। और दास साहब दत्ता को अखबार के लिए जो कागज का कोटा चाहिए था उसके लिए अपने पीए से बात करने के लिए कहते हैं और यहाँ पर दत्ता दास साहब के सामने बिक जाता है। इस नाटक का छठा दृश्य अब शुरू होता है। मसाल का दफ्तर है। इस दफ्तर में पहले से ही महेश और बिंदा आकर के बैठे हुए हैं। दत्ता बाबू भी आते हैं और इन लोगों पर वह ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर से इनकी बेइज्जती करके वो लोग भगा देते हैं। फिर नरोत्तम आता है और वह कहता है कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा, उस खबर को छापने का खतरा मोल नहीं ले सकते आप लोग, इतनी हिम्मत ही कहाँ है आप लोगों में, लानत है मुझ पर जो अब एक दिन के लिए भी इस अखबार के साथ जुड़ा रहूँ। और नरोत्तम प्रेस छोड़ करके चला जाता है। फिर इस नाटक का सातवां दृश्य आता है। अब है गांव का पंचायत घर। यहाँ पर साफ सफाई हो रही है और जोरावर यह सब करवा रहा है, उसकी बिटिया भी साथ दे रही है। यहाँ पर आज दास साहब इस गांव में आने वाले हैं। दास साहब गांव में आते हैं और वह सबसे पहले बिशु के घर जाते हैं और उसके बाप हीरा से मिलते हैं, उसको सांत्वना देते हैं और उसको लेकर के मंच की तरफ आ जाते हैं। वही दास साहब के द्वारा जो हीरा का सम्मान हो रहा है तो दूसरी तरफ जोरावर को अपना अपमान लगता है। काशी जो सुकुल बाबू का विश्वास पात्र है वह जोरावर के मन में जहर बोने का काम करता है और वह समझाता है कि तुम खुद चुनाव लड़ो। दास साहब जाते जाते घोषणा करके जाते हैं इस केस की जाँच के लिए शहर से बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और इसमें निष्पक्ष जाँच होगा। फिर इस नाटक का आठवां दृश्य शुरू होता है। गाँव का थाना है। एसपी सक्सेना थाने पर बयान लेने के लिए आते हैं। भीड़ भी खूब जुटी हुई है लेकिन थानेदार ने सबको किनारे लगा दिया है। बयान देने वाले में चार आदमी हैं, जो जोगेश्वर साहू जिसने पहले देखा था, दूसरा महेश जो रिसर्च स्कॉलर है और बिशु का दोस्त भी रहा है, तीसरा हीरा बिशु का बाप और चौथा जिंदा जो बिशु का दोस्त है। जोगेश्वर डरते हुए अपना बयान में बस इतना ही बोलता है कि मैंने देखा है और माई बाप मेरी कोई गलती नहीं है। फिर महेश बयान देता है, हम दिल्ली से अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल पर काम करते हैं। फिर बिशु का बाप हीरा आता है और वो बताता है कि बिशु पहले गांव आकर हरिजन टोला में स्कूल खोलकर पढ़ाता था, तभी बिना कोनो जुर्म के पुलिस उसे उठाकर ले गई और बिना कोनो कानून के ही 4 साल तक उसे जेल में रखी और 4 साल बाद छोड़ा। उसका दोस्त केवल रुकमा का पति बिंदा था। रुकमा बिशु के स्कूल में ही पढ़ती थी और बाद में बिशु के जेल जाने पर उसकी शादी बिंदा से हुई तो वह दिल्ली चली गई। जब रुकमा के पिता का तबीयत खराब रहने लगा तो वह गांव आकर अपने 20 बीघा खेत में अपने आदमी बिंदा के साथ खेती करती रही और बिशु का भी प्रेम अपने भाइयों से ज़्यादा बिंदा के साथ ही था, ऐसे जैसे बचपन की दोस्ती हो। दुश्मनी के बारे में हीरा कहता है कि दुश्मनी तो किसी से नहीं था उसका, लेकिन गांव के मजदूरों से कहता था कि वाजिब मजदूरी पर काम करो और समय से पैसा लो, इसके कारण जोरावर सिंह और मालिक लोग नाराज थे लेकिन इसको लेकर कभी भी मारपीट नहीं हुई है। फिर अगला बयान बिंदा देने के लिए आता है और बिंदा प्रशासन से नाराजगी जाहिर करता है। एसपी सक्सेना के पुनः पूछने पर वो बताता है कि बिशु पुतन चाय के दुकान पर 2 बाहरी लड़कों के साथ चाय पिया था, उसका भी बयान होना चाहिए। थानेदार को सक्सेना अगले दिन पुत्तन को बुलाने को कहता है। अब इस नाटक का अगला दृश्य आता है जो गांव का रेस्ट हाउस है। इस रेस्ट हाउस में एसपी सक्सेना रुके हुए हैं। महेश हांफते हुए आता है
और कहता है कि बिंदा की कुछ लोगों ने पिटाई की है, रुकमा उन्हें नहीं पहचान पाई है। उन दोनों लड़कों जिन्होंने जोरावर के कहने पर बिशु को जहर दिया था वो टिटिहरी गांव के हैं। उनके पीछे तैस में बिंदा जख्मी हालत में गया है। उसका तैस देखकर नहीं लगता कि वह उन्हें आज जिंदा छोड़ेगा, जबकि यही दोनों बिहारी और बंसी ही सबूत हैं। अब सक्सेना एक पत्र लिख करके अपने ड्राइवर से DIG के पास भिजवाता है और कांस्टेबल मोहन सिंह से जीप निकालने को कहता है और कहता है कि टिटिहरी की तरफ चलो फौरन। अब यहाँ पर नाटक का अगला दृश्य आता है। दास साहब की बैठक है, दास साहब चाय पी रहे हैं। सुकुल बाबू की एक बहुत बड़ी रैली होनी है जिसमें लाखों लोग जुटने की उम्मीद है, तो यहाँ पर पांडे जी सुझाव देते हैं कि क्यों नहीं 2 दिन के लिए ट्रक और बस पर रोक लगा दिया जाए। तो दास साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र में प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई जाए, अनुचित है यह। पांडे जी जोरावर का पर्चा दाखिल की बात कहते हैं दास साहब से। फिर जोरावर आता है और दास साहब उसे डांटते हैं। डांटते हुए उससे कहते हैं कि काशी कब से तुम्हारा सगा हो गया, तुम्हारे ही कारण मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। अच्छा है जाओ, तुम्हें पुलिस अब खोज रही है अरेस्ट वारंट लेकर के। जोरावर गिराने लगता है दास साहब के सामने। तभी जमुना बहन उसे अंदर ले जाती है और DIG सिन्हा आता है। दास साहब DIG से कहते हैं कि मैंने इस केस की फाइल पढ़ी है गंभीरता से, आपका रिपोर्ट देखकर यह लगता है कि निष्कर्ष आपके मन में पहले था और रिपोर्ट बाद में तैयार की है, जबकि बिशु के बाप ने रुकमा के साथ बिशु के संबंध को कबूल किया है। बिशु के पास रहने के लिए ही रुकमा बिंदा को गांव में लाई। पत्नी के प्रेमी को बर्दाश्त न कर पाना पर संदेह न हो इसलिए मित्रता की आड़ बनाए रखना, ये हत्या का मामला है। बिंदा ने की है हत्या और SP सक्सेना पुलिस का आदमी होकर मुजरिम के साथ सांठगांठ करे, जुर्म है यह। सस्पेंड सक्सेना एंड अरेस्ट बिंदा। अब इस नाटक का अंतिम दृश्य 11वां आता है। अब गांव में जोरावर के घर पे चौपाल है, वहां पर जोरावर पांडे जी और लखन की पार्टी चल रही है। वही दूसरी तरफ DIG सिन्हा के घर पर उनके प्रमोशन की पार्टी चल रही है। वही तीसरी तरफ दास साहब अपने घर पर अपनी पत्नी जमुना बहन के साथ केसरिया संदेश खा रहे हैं और कह रहे हैं जिस दिन गांव की हालत सुधरेगी उस दिन बापू का सपना पूरा होगा। वही इस नाटक में चौथे तरफ थाने में बिंदा को थानेदार और पुलिस वाले पीट रहे हैं, उस पे गुनाह से गुनाह कबूल करवा रहे हैं। थाने के बाहर महेश और मुअत्तिल सक्सेना खड़े हैं परेशान दुखी। बिंदा के दर्द की आवाज ही अंत में गूंजती रहती है और नाटक यहीं खत्म हो जाता है। यह था इस नाटक का कथानक। अब उपन्यास से अगर हम तुलना देखें तो उपन्यास में यहाँ खत्म होने के साथ ही SP सक्सेना जो सस्पेंड है वह बिंदा की पत्नी रुकमा को सबूतों के साथ लेकर के वह दिल्ली जाते हैं और ट्रेन में बैठे रहते हैं। इस प्रसंग की चर्चा उपन्यास के अंत में है लेकिन यहाँ नाटक में नहीं है। कुछ पात्रों को लेकर के थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। कुछ पात्र जैसे त्रिलोचन की चर्चा इसमें बहुत कम आई है, जबकि उपन्यास में त्रिलोचन और उनके साथ 4 बागी विधायकों की चर्चा ज़्यादा देर तक है। पढ़ने की दृष्टि से नाटक ही ज़्यादा रोचक है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति महाभोज, नाटक मनु भंडारी जी का। तो साथियों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना न भूलें क्योंकि आपका लाइक ही हमारे मनोबल का संबल है, सहारा है। और साथ ही यह भी आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने साथियों सहपाठियों के साथ शेयर भी करें। यदि आपको UGC नेट के सिलेबस से संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकते हैं, और भी वीडियो मिलेंगे और भविष्य में और भी वीडियो आते रहेंगे। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।